हेलो गाइस, वेलकम टू द एलियस। और मेरा नाम रोहित है। और आज का टॉपिक क्या है? टॉपिक पे कूदते हैं सीधे, बातें बातें नहीं। आज का टॉपिक है रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद मेटल कार्बोनेट या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो इससे प्रीवियस वाली वीडियो में मैंने क्या पढ़ाया था आपको? रिएक्शन ऑफ एसिड विद व्हाट? रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल। तो उसमें मैंने पढ़ाया था आपको रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल, और उसकी जनरल इक्वेशन ऐसे बनती थी कि जब भी कोई एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी, ये होती थी। अभी हम एसिड को किसके साथ रिएक्ट कर रहे हैं? मेटल कार्बोनेट या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो क्या होगा देख लेते हैं, ठीक है? तो ये एसिड और मेटल का तो हो गया रिएक्शन, ये सेकंड वीडियो में एसिड और मेटल कार्बोनेट का जब रिएक्शन होता है तो क्या होता है वो देखेंगे। तो देखते हैं क्या होता है। तो इसको हम एक एक्टिविटी है, एक एग्जाम्पल से समझते हैं। तो किस किस का रिएक्शन हो रहा है? रिएक्शन हो रहा है एसिड का और मेटल कार्बोनेट या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। वैसे हाइड्रोजन कार्बोनेट का एक और नाम बोल सकते हैं बाइकार्बोनेट, मेटल बाइकार्बोनेट, ये एक और नाम है। हाइड्रोजन कार्बोनेट को हम बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं, चलो वो अलग बात है। तो एक्सपेरिमेंट देखते हैं। मान लो ये टेस्ट ट्यूब है, ठीक है? इसको ऐसे आपका वो जो भी स्टैंड वगैरह होता है उससे हमने लॉक किया हुआ है, और इस टेस्ट ट्यूब में हम क्या डालेंगे? एसिड तो पहले डालेगा ही। तो मान लो HCl डाल दिया, एसिड के साथ रिएक्शन हो रहा है ना। तो एक्सपेरिमेंट में हमने इस टेस्ट ट्यूब में एसिड डाल दिया, HCl नाम का हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है? उसके बाद क्या किया? मेटल कार्बोनेट। मेटल कार्बोनेट में क्या डालेंगे हम? सपोज करो मेटल कार्बोनेट में हमने सोडियम कार्बोनेट डाल दिया, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम मेटल है ना, तो सोडियम कार्बोनेट होगा मेटल कार्बोनेट। तो ये हमने डाल दिया ऐसे सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट डाल दिया। तो एसिड HCl डाला, मेटल कार्बोनेट की जगह सोडियम कार्बोनेट डाला। अब इसका हम रिएक्शन देखने के क्या होगा। तो जब हम इसको जब इनमें रिएक्शन होगा तो पता क्या होगा? आपकी मान लो यहाँ से एक पाइप जा रही है ऐसे, आपको याद है ना रिएक्शन विद मेटल में हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हुई थी, इसमें भी एक गैस इवॉल्व होगी पर हाइड्रोजन नहीं कोई और। तो ये पाइप जा रही है जिसमें इसके थ्रू जो भी इसमें से गैस इवॉल्व हो रही है वैसे निकल के जाएगी, और जो गैस इवॉल्व हो रही है इसमें उसका नाम है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व हो रही है। और उसको टेस्ट करने के लिए हम क्या करा, ये जो गैस निकली है ना इसको ऐसे पाइप से कनेक्ट करके, जैसे पाइप से कनेक्ट करके तो हमने क्या किया, हम एक और टेस्ट ट्यूब ले ली जिसके अंदर हमने डाल दिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये डाल दिया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम, ये मैं रिएक्शन आपको एक्टिविटी के थ्रू समझा रहा हूँ। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन डाल दिया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मतलब क्या होता है? CaOH2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन डाल दिया। तो जैसे हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन के अंदर ये CO2 जाएगी, ये CO2 गैस यहाँ से रिएक्ट होकर इवॉल्व हो रही है जाएगी, तो आपका वाइट PPT बन जाएगा, वाइट PPT। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन में जब CO2 मिक्स होगी, जो CO2 आ रही है ये जब मिक्स होगी तो आपका वाइट PPT बन जाएगा, और यही वाइट PPT दिखाता है कि CO2 गैस इवॉल्व हुई है, एक तरह से टेस्ट है। ये हमने जो डाला ना, ये जो गैस निकल रही है इसमें से CO2 में से, जब हमने एसिड, ये HCl एसिड और मेटल कार्बोनेट इन दोनों को रिएक्ट किया तो इसमें से एक गैस निकली। अभी मान लो हमें नहीं पता कौन सी गैस निकली है, तो हमने इस गैस को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन में ऐसे पाइप के थ्रू डाल दिया तो वाइट PPT बन गया। तो ये वाइट PPT दिखाता है कि ये CO2 गैस इवॉल्व कर रहा है। तो यानी कि हमने क्या पाया, हमने पाया कि जब भी हम एसिड और मेटल कार्बोनेट को रिएक्ट करते हैं तो CO2 गैस इवॉल्व होती है, और जब हम प्रीवियस वीडियो में जब मैंने बोला था एसिड और सिर्फ मेटल को रिएक्ट करते थे तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती थी। तो इस केस में जो जनरल इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी? जनरल इक्वेशन, इस केस में जनरल इक्वेशन आपकी बनेगी, मैं लिख रहा हूँ, एसिड जब रिएक्ट हुआ मेटल कार्बोनेट के साथ तो आपका सॉल्ट बना और CO2 गैस इवॉल्व हुई, सॉल्ट बना और पानी बना, पानी यानी कि H2O और CO2 गैस अभी हमने देखा इवॉल्व हुई, इवॉल्व हुई, ये वाला साइन मतलब इवॉल्व। तो ये जनरल इक्वेशन है। तो वो जो भी हमने प्रीवियसली जो ये एक्सपेरिमेंट किया इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, ये जो भी हमने एक्सपेरिमेंट किया इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, इसकी इक्वेशन ऐसे बनेगी इस जनरल इक्वेशन के हिसाब से। एसिड हमने कौन सा लिया था? एसिड हमने लिया था HCl,
मेटल कार्बोनेट हमने कौन सा लिया था, सोडियम कार्बोनेट, तो लिख लो भाई सोडियम कार्बोनेट, सॉल्ट बनेगा यानी कि NaCl एक सॉल्ट है, सोडियम क्लोराइड, वाटर बनेगा वाटर एज इट इज, और CO2 गैस, बोल वो भी, ये बैलेंस है कि नहीं है, ये देखो बैलेंस भी कर लो इसको, यहाँ H2 है यहाँ 2 है, तो उसके बाद ये सोडियम यहाँ 2 है यहाँ भी 2 है, चलो तो बैलेंस का खेल है, लेकिन आपकी जो इक्वेशन बनेगी वो ये बनेगी। तो बेसिकली हमने क्या सीखा, हमने सीखा कि जब भी एसिड मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होती है और सॉल्ट बनता है और वाटर बनता है। तो ये था इस वीडियो का पूरा जिस्ट या समरी, कि ये कॉमन इक्वेशन, जब एसिड रिएक्ट विथ मेटल कार्बोनेट तो सॉल्ट बनेगा, वाटर बनेगा और CO2 गैस इवॉल्व होगी, और CO2 गैस इवॉल्व होगी, इसका टेस्ट भी हमने इस एक्सपेरिमेंट में कर लिया था कि जैसी जो गैस निकली थी इसको हमने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन में डाला, तो जैसी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन में डाला इस गैस को जो आ रही थी, अभी तक हमें नहीं पता था CO2, हमने टेस्ट क्या किया कि गैस आ रही थी तो हमने इसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन में डाल दिया, तो व्हाइट पीपीटी बन गया। पीपीटी मतलब जैसे ऐसी चीज जो सॉल्यूबल नहीं होती, जो घुलती नहीं है, जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ना इसमें घुली नहीं, सॉल्यूबल नहीं हुई, तो भी अब व्हाइट पीपीटी सा बन गया, मतलब झाग सा बन गया, झाग आप होता है ना साबुन के झाग हो या किसी भी चीज के कोई झाग हो, वो कभी घुलते नहीं है, वो ऊपर ऐसे आ जाते हैं है ना, ऊपर बन जाता है कुछ व्हाइट व्हाइट, तो वही व्हाइट पीपीटी है। तो ये व्हाइट पीपीटी ये दिखा रहा है कि इसके अंदर ये जो गैस डल रही थी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन में, CO2 गैस थी। तो एक तरह से अगर आपसे कोई पूछे कि टेस्ट क्या होगा तो टेस्ट भी यही होगा इसका, ये जो हमने नीचे किया गैस इवॉल्व हुई, ठीक है। तो अच्छा अब एक और चीज, अच्छा जो हमारी जो गैस, ये तो आपको पता चल गया ना कि जब एसिड मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट बनता है, वाटर बनता है और CO2 गैस इवॉल्व होती है, और जब हमने टेस्ट किया था तो हमने क्या किया था, CO2 गैस को, ये CO2 गैस को हमने कौन से सॉल्यूशन में मिलाया था, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, जिसका कॉमन नेम लाइम वाटर होता है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन जिसका कॉमन नाम होता है लाइम वाटर, इसके अंदर हमने क्या पास किया था, जो गैस निकल रही थी CO2 गैस, तो उसका रिएक्शन बता रहा हूँ, उसका रिएक्शन ऐसा हुआ होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन में CO2 गैस डली तो आपका बना होगा कैल्शियम कार्बोनेट, ये जो मैं बोल रहा हूँ ना व्हाइट पीपीटी बना, ये जो व्हाइट पीपीटी है यही है कैल्शियम कार्बोनेट, व्हाइट पीपीटी, व्हाइट पीपीटी जो मैंने बोला था वो यही है कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। तो ये जो टेस्ट वाली हमारी जो दूसरी टेस्ट ट्यूब में हमने डाला था, ये टेस्ट वाली की रिएक्शन है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में डाला था ना CO2, तो क्या बना आपका व्हाइट पीपीटी बना था, तो ये जो व्हाइट पीपीटी बना ये है कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है जी। अभी हमने क्या देखा, एसिड प्लस मेटल कार्बोनेट का रिएक्शन, तो क्या बनता है, कॉमन रिएक्शन क्या है, सॉल्ट बनता है, वाटर बनता है और CO2 गैस इवॉल्व होती है। अच्छा इसमें ये टेस्ट में एक और चीज बताओ, अगर ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में हमने CO2 डाला तो व्हाइट पीपीटी बन गया, व्हाइट पीपीटी मतलब कोई भी ऐसी चीज जो इनसॉल्यूबल है, पीपीटी मतलब जो घुल नहीं रही है, इनसॉल्यूबल है। तो अगर मैं इसके अंदर और CO2 डालूं, ये जो CaCO3 बना है इसके अंदर मैं और CO2 डाल दूं तो क्या होगा, ये कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि व्हाइट पीपीटी जो हमारा बना था, इसके अंदर मैं और एक्सेस CO2 डाल दूं, ये मैंने डाल दिया एक्सेस, एक्सेस CO2 और डाल दिया, तो क्या बनेगा आपका, जब मैं इसमें एक्सेस CO2 डालूंगा, पानी तो था ही उसमें, पानी तो था ही, तो उसमें एक्सेस CO2 जब मैंने डाला तो आपका बन जाएगा कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये जो कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बना ये सॉल्यूबल होता है, तो फिर वो सॉल्यूबल हो जाएगा। अभी ये जो रिएक्शन है ये मैंने क्या किया, आपको समझ आया, कंफ्यूज मत होना, ये जो हमारा टेस्ट वाला था ना कि लाइम वाटर में CO2 जो निकल के आ रहा था वो हमने जब रिएक्ट किया तो क्या बना आपका, कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि व्हाइट पीपीटी और वाटर बना, यही बना था ना। तो इसके अंदर मैंने नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, इसके अंदर यहां तक निकला था ना हमारा कैल्शियम कार्बोनेट और CO2, इसके अंदर मैंने वो सॉरी कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर बना था, कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर, इसके अंदर मैंने और CO2 डाल दी जितनी वो थी ना, उसके बाद और डाल दी CO2, तो कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बन गया उस सॉल्यूशन में जो कि सोल्यूबल होता है, ये तो इनसोल्यूबल है जो कैल्शियम कार्बोनेट बना था, लेकिन जब हम और एक्सेस CO2 डालेंगे तो कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनेगा जो कि सोल्यूबल है, वो घुल जाएगा, ठीक है। तो मोटा मोटी हमने क्या समझा, दोबारा लिखता हूं कि जब भी एसिड मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट किया तो आपका एक तो सॉल्ट बना, वाटर बना और कौन सी गैस इवॉल्व हुई, CO2 गैस इवॉल्व हुई। उसको हमने टेस्ट कैसे किया, हमने टेस्ट उसको ऐसे किया, टेस्ट कैसे किया कि गैस जो इवॉल्व हुई है CO2 है, इसको टेस्ट ऐसे किया कि हमने ये CO2 को कैल्शियम
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन में डाल दिया तो हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट बना जो कि एक वाइट पीपीटी है, वाइट पीपीटी जो घुलता नहीं है, और वाटर। ठीक है, सेकंड स्टेप है, हम टेस्ट कर रहे हैं कि जो गैस निकली है वो CO2 है या हमें कैसे पता, ये हमें ऐसे पता है कि जो वाइट पीपीटी निकला ये दिखाता है कि ये जो गैस है CO2 है। उसके बाद हमने अगर इसके अंदर ये जो बना था इसके अंदर और फर्दर CO2 डाल दी तो हमारा कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बन जाता है जो कि सॉल्यूबल है। ठीक है, तो ये चल रहा है पूरा खेल।